असे भाई किधर जाना है? हंटिंग के लिए ब्राइड जा रहे हैं, आ जाए लेट हो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो आमिर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। ठीक हो आमिर भाई? आज तो हम बहुत अच्छी जगह पे खड़े हैं, बहुत अच्छा सीन है। सुबह का जब मैंने देख लिया तो इसके बारे में आप कुछ बताए कि हमारे साथ गन भी है, हंटिंग भी करते हैं, कल रात किया था, इसके बारे में अपना पूरा वो बताओ। बड़ी खूबसूरत साइट है ये, तकरीबन ब्राइट सिटी अगर आप लोगों ने देखा हो तो ब्राइट से तकरीबन 8 किलोमीटर आगे टुवर्ड्स माउंट ब्यूटी, ये बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और घने जंगल से भरे पड़े। इन पहाड़ों में बेशुमार दूसरे जानवरों के अलावा, हम तो बेसिकली डियर के लिए आते हैं, यहाँ पर डियर मिलता है हमें, डियर के शिकार के लिए, और यहाँ पे और भी दूसरी स्पीशीज़ के जानवर मिलते हैं। ये एक बहुत बड़ी शिकारगाह है। आमतौर पे लोग इतने बड़े शिकारगाह को सिलेक्ट नहीं करते, उसकी वजह ये है कि डियर के पास भागने का बहुत ज़्यादा रूम है। तो जो ज़्यादा एक्सपीरियंस शिकारी हैं, हम लोग तो अभी इतने एक्सपीरियंस नहीं हैं, अभी नए हैं, कोई साल डेढ़ हुआ होगा हमें, 2 साल हुए होंगे मैक्सिमम। तो जो ज़्यादा एक्सपीरियंस शिकारी हैं वो आमतौर पर बहुत बड़े जंगल का इंतखाब नहीं करते, क्योंकि जितना बड़ा जंगल होगा उतना चैलेंज आपके लिए बढ़ जाएगा। तो इस तरह हम लोग, चूँकि ये चीज़ें बंदे को वक्त के साथ साथ पता चलती हैं, अभी हम लोग सीख रहे हैं, ये बहुत सारी चीज़ें अभी हमें मिल रही हैं, काफ़ी नॉलेज मिल गया है, कुछ और मिल रहा है, और नॉलेज तो ख़त्म ही नहीं होता जी, वो तो मिलता ही रहता है। तो बहरहाल अभी हमने ये इतना सीखा है कि अगर हम इतने बड़े जंगल का इंतखाब करेंगे तो फिर हमें बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए और हमारे पास बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी के अलावा इन दोनों चीज़ों से ज़्यादा चीज़ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपके पास ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ द हंटिंग। तो हंटिंग एक्सपीरियंस हमारे पास अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी हमें अब इतना आइडिया हो गया है कि अगर हम इतने बड़े जंगल का इंतखाब करेंगे तो हमें बहुत मुश्किलें पेश आएंगी, हमें बड़ी बड़ी दूर जाना पड़ेगा और जानवर के पास छुपने के लिए बहुत ज़्यादा एरिया है। तो जितना ज़्यादा एरिया उसके पास होगा उतना ज़्यादा एरिया हमें एक्सप्लोर करना पड़ेगा, हमें उतने पहाड़ चढ़ने पड़ेंगे, उतने जंगलों में से गुजरना पड़ेगा, और यू नो फिज़िकल फिटनेस एंड यू नो आपकी मेंटल अपॉइंटमेंट एंड डिसअपॉइंटमेंट का मामला भी होता है ना, जब बहुत देर तक आपको शिकार नहीं मिलता तो आप डिसअपॉइंटमेंट का शिकार हो जाते हैं, यार क्या करें इतनी इस वक्त, तो जैसे यहाँ पे गर्मी भी बहुत है, अगर हम इस वक्त इस पहाड़ पे चढ़ना शुरू कर दें मिसाल के तौर पे, और हम पहाड़ पे चढ़ जाएं तो 1.5 घंटा लगा के 2 घंटे लगा के ऊपर तक पहुँचें और इस दौरान हमें कुछ भी ना मिले, तो फिर वो डिसअपॉइंटमेंट आपके ऊपर गालिब आना शुरू होती है। बेसिकली वहाँ से आपका इम्तिहान शुरू होता है कि आपने उसको ओवरकम कैसे करना, फिर उसके बावजूद आपने यू जस्ट कीप कंटिन्यूइंग व्हाट यू आर डूइंग इन दैट, और यू शुड नॉट बी होपलेस एट ऑल, क्योंकि होप के बगैर तो वैसे ही काम नहीं, और ये तो वैसे ही बहुत चैलेंजिंग है। इट्स नॉट ओनली अबाउट योर फिजिकल फिटनेस, इट्स बेसिकली मेंटल। तो अच्छा आमिर भाई, आप लोगों ने मानस ज़्यादा इंजॉय करते हो ना? जी, और दूसरी बात है, मैंने कल भी आसिफ भाई को गाड़ी में बोला था रात को कि कहना तो इसका बहुत आसान है, आसिफ के घर पे आ जाओ दावत पे ईजी का, मगर कल रात जो मैंने देख लिया ना, ओह माय गॉड, जितनी तकलीफ होता। देखें जी, किसी को भी बताएं कि आज हम आपको हिरन का गोश्त खिलाएंगे, उसकी दावत है, वो बड़ा खुश होके आते हैं लोग, और क्योंकि लोगों ने बहुत ज़्यादा हिरन खाया नहीं है। यहाँ पे 6 डिफरेंट किस्म का हिरन मिलता है सिर्फ विक्टोरिया के अंदर। मैं आपको ये बताता चलूँ, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी साथ साथ आपके जवाब के सवाल के जवाब के साथ साथ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी देना चाहता हूँ। विक्टोरिया में तकरीबन 8 मिलियन हेक्टर का एरिया ऐसा है जो कि जंगल ही जंगल है, और वहाँ पर आपको 6 डिफरेंट किस्म का डियर मिलता है, और उसमें बहुत बड़े साइज़ का डियर भी है जिसको हम सांबर कहते हैं, दैट इज़ आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड 3rd biggest एनिमल, यानी खाने वाले एनिमल्स में आफ्टर मूज एंड एल्क, बहुत बड़े साइज़ का सांबर यहाँ पे मिलता है, और सांबर का सीज़न तो 12 महीने ही चलता रहता है, उसका शिकार 12 महीने चलता है। बाकी के जो दूसरे डियर हैं उनका तो उनका सीज़न होता है, बट सांबर का कोई सीज़न नहीं, गर्मियों में भी मिलेगा आपको, सर्दियों में मिलेगा, बर्फ़ पड़ रही होगी वहाँ पर भी आपको मिलेगा। अच्छा अच्छा, मेरे भाई एक बात और पूछना था, ये आप लोगों के जो पास अपने गन का लाइसेंस है, इसे गवर्नमेंट से कोई पूछते हैं या ज़रूरत नहीं? जब आपके पास लाइसेंस होगा तो
कोई इशू तो नहीं होगा कि? देखिए जी, जब आपके पास लाइसेंस होता है तो दैट इज़ नॉट इनफ टू गो फॉर हंट। अब आप विक्टोरियन जंगल्स में घूम रहे हैं तो आपको भी। अमर भाई, पहले तो बात ये है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो जिस जगह पे हम लोग आए हैं ये लोग चार्ज करते हैं और डिफरेंट लोग आते हैं एवरी वीक में। तो हम लोगों ने 2-3 दिन के लिए बुक करवाया हुआ है, तो हम लोगों से पहले भी कुछ लोग आए हैं, तो हंटिंग प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है और एक गर्मी भी है, और कल से हम लोग आए हुए हैं और बारिश जो है वो बेताशा हुई है। ये चीज़ जो होती है ये अपने आप को सेफ्टी के रखती है, अपने आप को सेफ रखती है, और जब हंटिंग प्रेशर होता है तो उस टाइम ये अपने आप को सेफ रखने के लिए डीप जंगल में चले जाते हैं। तो आजकल गर्मी का भी मौसम है तो हम अपने आप को भी सेफ रखेंगे, सांप हैं या और कोई चीज़ होती है, तो इसलिए फिर हम लोग एहतियात भी करते हैं, और जो हमारे कोई सेफ्टी के हिसाब से कोई हमारे पास आए तो सबसे पहले अपनी सेफ्टी रखें, फिर दूसरों की रखें, तो फिर आप शिकार भी करें। हम इंजॉय करने के लिए आते हैं। रात को 10:30-11 बजे इधर पहुँचे, लेकिन उसके बाद से अब तक इन्होंने कोई ख़ास रेस्ट नहीं किया है, ये जंगल में फिर रहे हैं और अभी तक कोई ख़ास कामयाबी भी नहीं। तो इनसे पूछते हैं कि यार क्या महसूस आते हैं और क्या सिचुएशन है। जी समीर, आप ज़रा बताइए कि कल रात से आपने इतना टफ काम किया, ये कोई आसान काम नहीं है, मैं जानता हूँ क्योंकि मैं खुद कर रहा हूँ, आपके साथ मुझे आइडिया है। तो इतनी सख्ती बर्दाश्त करने के बाद, इतना जंगल घूमने फिरने के बाद और इतना ख्वार होने के बाद, मैं कहूँगा अभी तक आपको कोई शिकार नहीं मिला, तो हाउ अबाउट योर डिसअपॉइंटमेंट लेवल एंड एवरीथिंग, आपका क्या ख्याल है? नहीं देखें, हम लोग शिकार पे आए हैं तो शिकार एक तरीके से शिकार खेल भी सकते हैं और आप दूसरी एक्टिविटीज़ भी इंजॉय कर सकते हैं। हम लोग नेचर के बिल्कुल करीब हैं इस तरह, और शिकार हम लोग को दिखा, बट हम लोग जब तक मेक श्योर नहीं हुए ना कि वी डोंट वांट टू हर्ट द एनिमल एंड ही रन अवे और समथिंग लाइक दैट, सो जब तक मेक श्योर नहीं हुआ हम लोगों ने फायर नहीं किया। ये सबसे पहला सिस्टम है, मतलब कि आप ये बाद में जब तक आप 100% श्योर ना हो कि वो क्या चीज़ है, फायर ना। फिर इस चक्कर में हम लोग ने हिरन तो हमने बहुत देखे हैं, बट वी वर नॉट श्योर क्योंकि वो वॉकिंग में थे, गोली इधर उधर हो सकती है, इसलिए नहीं किया। फिर बारिश भी हुई थी, उसके बाद आज थोड़ा मौसम खुला है, तो अब जानवर अभी क्योंकि थोड़ी सी गर्मी हो रही है और इसकी जो अभी फर होता है थोड़ा मोटा होता है, इसलिए थोड़ा बैठ जाता है, गर्मी लगती है उसको। हाँ।